बॉलीवुड में कई ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने अपने धर्म को बदल दिया। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं सेलिब्रिटीज़ के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपने रिलीजन को बदला। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिएगा। हेमा मालिनी। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने अपने रिलीजन को कन्वर्ट करके इस्लाम को चुना जैसे वो एक्टर धर्मेंद्र से शादी कर सकें। 22 अगस्त 1979 को इन्होंने इस्लाम को चुना और अपना नाम चेंज करके आयशा बी चक्रवर्ती कर दिया। AR रहमान। काफी लोग ये नहीं जानते कि AR रहमान एक हिंदू थे। इनका पहला नाम दिलीप कुमार था जो इनके पेरेंट्स ने रखा था। बाद में ये इस्लाम की तरफ चले गए। इस्लाम में आने और मुसलमान होने के बाद इन्होंने अपना नाम चेंज करके अल्लाह रखा रहमान कर दिया। अमृता सिंह। अमृता एक सिख खानदान में पैदा हुई पर उन्होंने अपना रिलीजन कन्वर्ट करके इस्लाम कर दिया जैसे वो सैफ अली खान से शादी कर सकें। सैफ अली खान के पेरेंट्स इस शादी के खिलाफ थे पर फिर भी इन दोनों ने शादी की और शादी के 13 साल बाद अलग हो गए। लेकिन अब ये अननोन है कि इन्होंने वापस सिखिज्म को चूज किया है या नहीं। धर्मेंद्र। ये वेटरियन एक्टर अपने लव ऑफ लाइफ हेमा मालिनी से शादी करना चाहते थे पर उनकी पहली बीवी ने उन्हें डाइवोर्स देने से मना कर दिया। अपने ड्रीम गर्ल से दूसरी शादी करने के लिए धर्मेंद्र ने अपना रिलीजन कन्वर्ट करके इस्लाम कर दिया। इस्लाम चूज करने के बाद इन्होंने अपना नाम दिलावर खान रख दिया। शर्मिला टैगोर। इस ब्यूटीफुल और टैलेंटेड एक्टर ने अपने लव ऑफ लाइफ मंसूर अली खान पटौदी से शादी करने के लिए इस्लाम को चुना। इस्लाम में आने के बाद इन्होंने अपना नाम चेंज करके बेगम आयशा सुल्ताना कर दिया। आयशा टाकिया। बॉलीवुड की इस क्यूट बबली एक्ट्रेस ने शादी करने के लिए अपने रिलीजन को कन्वर्ट किया। आयशा ने रिलीजन कन्वर्ट करके इस्लाम को चुना और अपने लवर फरहान अजमी से शादी की। इनका निकाह 2009 में हुआ था। दिव्या भारती। बाय बर्थ ये एक्ट्रेस हिंदू थी और बहुत ही रिलीजियस थी और ये डेली मंदिर भी जाया करती थी पर इनको प्यार हुआ साजिद नादियावाला से और इसीलिए इन्होंने साजिद से शादी करने के लिए अपने रिलीजन को कन्वर्ट करके इस्लाम को चुना। इस्लाम में कन्वर्जन के बाद इन्होंने अपना नाम चेंज करके सना रख दिया। महेश भट्ट। महेश भट्ट को प्यार हुआ सोनी राजदान से जो आलिया की माँ है पर इनकी पहली बीवी ने इन्हें डाइवोर्स देने से इनकार कर दिया इसीलिए सोनी राजदान से शादी करने के लिए महेश भट्ट ने इस्लाम कबूल किया। नैन तारा। ये एक्ट्रेस बाय बर्थ क्रिश्चियन थी लेकिन बाद में हिंदुइज्म में कन्वर्जन कर ली। इनको प्रभु देवा से प्यार हो गया इसीलिए उनसे शादी करने के लिए इन्होंने हिंदुइज्म में कन्वर्जन की। ममता कुलकर्णी। ममता कुलकर्णी बाय बर्थ हिंदू थी पर अपने बॉयफ्रेंड विकी गोस्वामी से शादी करने के लिए इन्होंने इस्लाम में रिलीजन को कन्वर्ट किया। विकी UAE के जेल में थे और इनका टर्म रिड्यूस हो गया जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया इसलिए इनसे शादी करने के लिए ममता ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। हेजल कीच। ये एक्ट्रेस बाय बर्थ क्रिश्चियन पैदा हुई थी। क्रिकेटर युवराज सिंह और हेजल एक दूसरे को पसंद करने लगे और शादी करना चाहते थे। युवराज सिंह से शादी करने के लिए हेजल ने अपना रिलीजन को कन्वर्ट करके सिखिज्म को चुना और इनका शादी के दिन नेम चेंज हुआ और गुरबसंत कौर कर दिया। दोस्तों ये थे बॉलीवुड के वो सेलिब्रिटीज जिन्होंने अपने प्यार के लिए अपने रिलीजन को चेंज किया। आपको इनमें से कौन सा कपल ज्यादा पसंद है कमेंट्स में लाजमी बताएं और अपने फेवरेट कपल के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और वेबसाइट को विजिट करना मत भूलिएगा।